अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बनाने वाले हैं साई मीठा, इसको साई टुकड़ा भी बोलते हैं। पैकेट का पैकेट लेना है, इसे साइडों से इसका साइड वाला लेयर काट देना है। सब ऐसे ही काट लेंगे। अब एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर घी लेना है और अब घी गरम कर लेना है, फिर उसके अंदर ब्रेड डालना है। अगर घी नहीं है तो राई का तेल छोड़ के और किसी और भी तेल में बना सकते हैं। पास पर रखना है वरना ये पूरा घी पी जाएंगे। अब इसे निकाल लेने, देखो गोल्डन हो गए हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी हो गए। ये देखिए सारे तल दिए ब्रेड को। अब चाशनी बनाएंगे इसकी। कढ़ाई में एक गिलास पानी डाला है और दो कटोरी शक्कर डालेंगे इसमें। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्की रखना है चाशनी को, हल्का रखना है, ज़्यादा पकाना नहीं है और ज़्यादा चिपचिपी भी नहीं रखनी है। ये देखिए पक गई है, इतनी ही पकानी है, ज़्यादा नहीं। इसे गैस से हटा लेना, नीचे उतार लेना। अब इसे गरम में ब्रेड को डाल देना जो तले थे हमने। एक मिनट के लिए इसी में रहने देंगे। ये देखिए ये निकाल लिए, अब दूसरा डाल रहे हैं और इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना है वरना ये सारा रस पी जाएंगे चाशनी और ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। निकाल लिए। एक कटोरी मिल्क पाउडर, थोड़ी सी एक कटोरी मलाई। अब इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे बाउल में। अब मलाई डालेंगे इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा शक्कर डालना है पिसा हुआ, वो भी चार पांच इलायची कूट के डालनी है। सब हम अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालना है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। ये देखिए हमारी मलाई तैयार बन के। एक ब्रेड के स्लाइस को लेकर चम्मच से इसके ऊपर लगाएंगे इसको। अब ऐसे सब पे लगा लेंगे। ये देखिए साई मिठाई बनके तैयार है और ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।